समाजवादी पार्टी से गठबंधन के बाद चुनावी एजेंडे में जुटी मायावती, जन्मदिन पर खेला मुस्लिम आरक्षण कार्ड। मायावती ने मुसलमानों के लिए मांगी 10% आरक्षण, कहा आजादी के बाद लगातार घट रही है सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की तादाद। मायावती ने खुली जगहों पर जुमे की नमाज पर बैन को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा, कहा सरकारी मशीनरी का किया जा रहा है दुरुपयोग। एक सोची समझी रणनीति के तहत मुसलमानों के जुम्मा की सामूहिक नमाज पढ़ने के संबंध में भी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है। मायावती ने जन्मदिन पर समर्थकों से गिफ्ट में मांगी सरकार, दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं से मिलकर काम करने की अपील की। जन्मदिन पर मायावती ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा, कहा 2014 की तरह फिर शुरू हो गया है लोगों को बेवकूफ बनाने का काम। जन्मदिन पर बीएसपी ने मायावती को बताया भावी प्रधानमंत्री, पार्टी कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाए। मायावती पर बीजेपी का पलटवार, कहा देश ने तय कर लिया है प्रधानमंत्री, मोदी की अगुवाई में बनेगी अगली सरकार। देश तय करेगा कि प्रधानमंत्री कौन होगा और देश ने तय कर लिया है कि प्रधानमंत्री फिर से नरेंद्र मोदी। मायावती ने बीजेपी पर लगाया भगवान को जातियों में बांटने का आरोप, बजरंग बली पर योगी के बयान का जिक्र किया। जन्मदिन पर मायावती ने किसानों को याद किया, कांग्रेस पर किए करारे वार, कर्ज माफी की टाइमिंग पर सवाल उठाए। मायावती के घर जाकर अखिलेश ने दी जन्मदिन की बधाई, शॉल उड़ाकर किया सम्मान। अखिलेश की अगुवाई के लिए बाहर नहीं आई मायावती, पहले बहन जी के घर में घुसे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, फिर बाहर आए दोनों। मायावती के जन्मदिन पर समाजवादी पार्टी ने भी मनाया जश्न, लखनऊ में पोस्टर लगाकर बहन जी को बधाई दी। मायावती के घर पहुंचे छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम अजीत जोगी, जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। बलरामपुर में मायावती के जन्मदिन पर काटा गया केक, एक दूसरे पर टूट पड़े बीएसपी कार्यकर्ता। मेरठ में एसपी बीएसपी कार्यकर्ताओं ने एक मंच पर काटा मायावती के जन्मदिन का केक, खाने के लिए लूट मची। मुरादाबाद में मायावती के जन्मदिन पर बांटे गए मिठाई और कंबल, जमकर हुई छीना। आज अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल का भी जन्मदिन, वाराणसी में एसपी बीएसपी कार्यकर्ताओं ने मिलकर मनाया जश्न, नीले हरे रंग का केक काटा। गठबंधन के बाद अब साथ बिक रही है एसपी बीएसपी की प्रचार सामग्री, झंडे बैनर बिल्ले से पटी दुकानें। शाही स्नान के साथ प्रयागराज में कुंभ का प्रारंभ हुआ, श्रद्धालुओं पर सरकारी हेलीकॉप्टरों ने फूल बरसाए। कुंभ में श्रद्धालुओं पर फूलों की बरसात को लेकर सियासत सुलगी, समाजवादी पार्टी ने बताया पैसों की बर्बादी। लोग ठंड से मर रहे हैं, मटे जा रहे, ना बड़े शिविर लगाए जा रहे, ना अलाव की व्यवस्था की जा रही, गरीबों गरीब ठंड में मर रहे हैं और वो अनावश्यक दिखाने के लिए अनावश्यक खर्च कर रहे हैं पुष्प वर्षा करने के। समाजवादी पार्टी के आरोपों पर बीजेपी का जवाब, कहा जरूरी है भगवान जैसे अतिथियों का स्वागत। हम जाने जाते हैं अतिथि भव के लिए कि जो लोग वहां कुंभ में आए हुए हैं श्रद्धालु, उनके ऊपर अगर पुष्प वर्षा उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, यह स्वागत योग्य कार्य है, इसका स्वागत करना चाहिए। सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़ा ने लगाई डुबकी, मंत्रोच्चार के बीच साधु संतों ने शाही स्नान किया। नागा साधुओं ने पारंपरिक अंदाज में पहला शाही स्नान किया, पूरे उत्साह के साथ गंगा की जलधारा में आस्था की डुबकी लगाई। कुंभ में पहली बार किन्नर अखाड़े ने भी किया शाही स्नान, पालकी पर निकले सन्यासी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी संगम में लगाई आस्था की डुबकी, तस्वीरें ट्वीट की। प्रयागराज में उमड़ा आस्था का सैलाब, पहले दिन करीब 2 करोड़ श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। विदेशी सैलानियों की भी भरमार, भारतीय संस्कृति और परंपरा को करीब से जानने पहुंचे। देशभर में मनाया गया मकर संक्रांति का पर्व, हरिद्वार से लेकर वाराणसी तक श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई गंगा में। पटना में महागठबंधन के नेताओं की दही चूड़ा पार्टी, मकर संक्रांति के अवसर पर कांग्रेस ने दावत दी। मकर संक्रांति पर तिरुवनंतपुरम के पद्मनाभ मंदिर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, पारंपरिक वेशभूषा में पूजा पाठ किया। केरल के कोल्लम में प्रधानमंत्री ने लोगों को किया संबोधित, NH-66 पर बाईपास को देश को समर्पित किया। केरल से पहले उड़ीसा के दौरे पर थे प्रधानमंत्री, रैली में लोगों को केंद्र की मदद की याद दिलाई।
पीएम मोदी ने कांग्रेस पर मढ़ा उड़ीसा की बर्बादी का आरोप, कहा गरीबों की कमाई की चोरी रोक कर ही रुकेगा चौकीदार। भगवान जगन्नाथ की धरती से कहना चाहता हूँ, ये चौकीदार गरीबों की कमाई को लूटने वालों के सारे खेल बंद करा करके ही रुकने वाला है। जारी है कर्नाटक की सियासत, कर्नाटक दो निर्दलीय विधायकों ने छोड़ा कुमारस्वामी सरकार का साथ। दो निर्दलीय विधायकों के साथ छोड़ने के बाद कर्नाटक कांग्रेस में खलबली, येदुरप्पा ने दिए जल्द सरकार बनाने के संकेत। कर्नाटक के बीजेपी विधायकों को लेकर मानेसर में डेरा डाले हैं येदुरप्पा, सामने आई रिजॉर्ट में ठहरे एमएलए की तस्वीरें। कर्नाटक की सियासत को लेकर महाराष्ट्र के मंत्री राम शिंदे का बड़ा दावा, कहा दो तीन दिनों में राज्य में होगी बीजेपी सरकार। मुंबई के रेनशॉ होटल में ठहरे हैं कर्नाटक कांग्रेस के कुछ विधायक, राज्य के मंत्री ने बीजेपी पर तोड़फोड़ का आरोप लगाया। और दिल्ली कांग्रेस की कमान संभालेगी पूर्व सीएम शीला दीक्षित, जोरों पर है तैयारियां, हटाई जा रही हैं दफ्तर से पुरानी तस्वीरें। कांग्रेस ने सरकार से मांगी आलोक वर्मा पर सीवीसी की रिपोर्ट, मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम को चिट्ठी लिखी। सेना दिवस पर आर्मी चीफ ने दी पाकिस्तान को चेतावनी, कहा अब किया घुसपैठ तो फिर घुसकर मारेंगे। जनरल बिपिन रावत ने देश को दिलाया भरोसा, कहा सीमा की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगी सेना। देश विरोधी नारे के मामले में चार्जशीट को लेकर गरमाई सियासत, जेएनयू कैंपस में एबीवीपी छात्रों ने राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी। दिल्ली में यूपीएससी के प्रतियोगी छात्रों का हल्ला बोल, सिलेबस में बार बार बदलाव से नाराजगी, मुखर्जी नगर से राजघाट तक पैदल मार्च। जादवपुर विश्वविद्यालय में महिलाओं पर विवादित बयान को लेकर प्रोफेसर के खिलाफ गुस्सा भड़का, छात्राओं का विरोध प्रदर्शन। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी, पुलिस ने लाठियां चलाई। राजस्थान के कोटा में मामूली विवाद में युवक की हत्या, कार से टकराकर बाइक गिरने पर हुआ था हंगामा। बिहार के जमुई में क्रिकेट खेलने के दौरान दो गुटों में मारपीट, चार लोगों के घायल होने से इलाके में तनाव। बिहार के बक्सर में बुलंद है अपराधियों के हौसले, घर में घुसकर दो महिलाओं पर चाकुओं से हमला किया। सामने आया दिल्ली के सफदरजंग में मारपीट का वीडियो, डॉक्टरों और मरीजों के परिजनों के बीच हाथापाई। दिल्ली सटे नोएडा में एक कंपनी में भीषण आग, जलकर खाक हुआ लाखों का सामान। मथुरा के प्राइवेट यूनिवर्सिटी में छात्रा ने जान दी पुलिस को प्रेम प्रसंग में खुदकुशी का शक। यूपी के हमीरपुर में ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, मौके पर मौत, बेटा और बेटी गंभीर रूप से घायल। एटा में जायदाद के लालच में युवक ने की पिता की हत्या, वारदात के बाद फरार। बिहार के कटिहार में ट्रक ने पति पत्नी को कुचला, नाराज परिजनों ने हाईवे पर लाश रखकर हंगामा किया। बिहार के बेगूसराय में देसी शराब बनाने से इनकार करने पर चचेरे भाई ने की नाबालिग की हत्या, अब तक गिरफ्त से दूर। दिल्ली सटे फरीदाबाद में मामूली विवाद में दो गुटों में मारपीट, वीडियो वायरल होने के बाद से हड़कंप। पंजाब के पठानकोट में आवारा पशुओं से टकराए बाइक सवार, दो की मौत। महाराष्ट्र के वाशिम में जिंदा जल गई दो महिलाएं, खाना बनाते समय लगी थी आग। एडिलेड वनडे में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया, 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर। लक्ष्य का पीछा करते हुए कप्तान विराट कोहली ने वनडे में जड़ा 39वां शतक, 104 रनों की शानदार पारी। धोनी ने खेली 54 गेंदों पर नाबाद 55 की पारी, कार्तिक ने भी 14 गेंदों में बनाए 25। ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए 50 ओवरों में 9 विकेट पर बनाए थे 298 रन, शॉन मार्श ने 131 रनों की पारी खेली। जीत से खुश कप्तान कोहली ने की धोनी की तारीफ, 18 जनवरी को मेलबर्न में होगा तीसरा और अंतिम वनडे। नोएडा में जल्द दूर होगी पार्किंग की समस्या, मई तक करीब 13,000 हो जाएगी मल्टीलेवल कार पार्किंग की तादाद। समस्तीपुर में मकर संक्रांति पर बना रिकॉर्ड, 1 लाख टन दही और 12 लाख लीटर दूध का उत्पादन। दिल्ली में सेना प्रमुख के घर पहुंची फिल्म उड़ी की स्टार कास्ट, विकी कौशल और यामी गौतम ने कहा असली हीरो से मिलकर खुशी हुई। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में जारी है शीतलहरी का सितम, आने वाले 3-4 दिनों में और लुढ़केगा पारा। कश्मीर और लद्दाख में जारी है हड्डियां जमाने वाली ठंड, श्रीनगर में 0 से 6 डिग्री नीचे पारा। द्रास में 0 से करीब 27 डिग्री नीचे है न्यूनतम तापमान, करगिल में -19 तक लुढ़का पारा। कश्मीर में बर्फबारी के बाद जम्मू में कड़ाके की ठंड, 3.5 डिग्री तक लुढ़का न्यूनतम तापमान। राजौरी में बेहिसाब बर्फबारी के बाद जारी है राहत का काम, रास्तों को साफ करने के लिए स्नो कटर की मदद ली जा रही। बर्फ की 2.5 फीट मोटी चादर में लिपटा बद्रीनाथ धाम, 0 से 14 डिग्री नीचे गिरा तापमान। लगातार 6 दिन महंगे हुए पेट्रोल डीजल,
के दाम, दिल्ली में पेट्रोल 28 पैसे, डीजल 29 पैसे प्रति लीटर महंगा। अगले 7 से 8 साल में देश में 1000 नए विमान जोड़े जाएंगे, अगले 15 साल में देश में बनेंगे 100 नए एयरपोर्ट। आरबीआई ने बजाज फाइनेंस पर लगाया 1 करोड़ का जुर्माना, निष्पक्ष व्यवहार संहिता का उल्लंघन करने पर जुर्माना। 1 फरवरी से नए नियमों के तहत 130 रुपए के बेस पैक में दर्शक फ्री और पेड चैनल्स चुन सकते हैं, ट्राई ने जानकारी। 2030 तक अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत बना सकता है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, रिपोर्ट के अनुसार चीन होगा नंबर 1। जनवरी मार्च तिमाही के लिए कारोबारी उम्मीद में 7% की कमी, सुधार प्रक्रिया रुकने की आशंका से माहौल कमजोर। 2018 में 9% घटे एनसीआर में बिना बिके मकान, एनरॉक के अनुसार फंसे प्रोजेक्ट्स की वजह से घर खरीदारों की मुश्किलें बरकरार। 2005 से 14 के बीच 3 गुना बढ़ा भारत के क्रिएटिव गुड्स का निर्यात, 2005 के 7.5 अरब डॉलर से 2014 में 20 अरब डॉलर हुआ आंकड़ा। मुद्रा स्कीम के तहत लोन वसूली में कमी के लिए शिवसेना ने नोटबंदी जीएसटी को ठहराया जिम्मेदार, सामना में प्रतिक्रिया। सोने के दाम 25 रुपए बढ़कर 33,125 रुपए प्रति तोला, चांदी 100 रुपए बढ़कर 40,200 रुपए प्रति किलो। अमेरिका की धमकी पर टर्की का पलटवार, कहा हर हाल में जारी रहेगी आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने चलाई पाक चीन आर्थिक गलियारे पर कैंची, रद्द की बड़ी बिजली परियोजना। पेरू के रेगिस्तान में डाकार मोटर रैली का आयोजन, दुनिया भर के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। पेरू की राजधानी लीमा में सीवर लाइन टूटने से हड़कंप, राष्ट्रपति मार्टिन ने किया इलाके का दौरा, जारी है राहत बचाव कार्य। ब्राजील की राजधानी में हादसे का शिकार हुआ हेलीकॉप्टर, 1 पुलिस अधिकारी की मौत, 3 जख्मी। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।